अरे भाई अंदर आने दो, हमें यहाँ क्यों रोक रखा है? नहीं नहीं बोलो ना, नहीं मिल सकते, आज जाइए प्लीज। अरे बाहर बुलाओ ठकराल साहब को, उनसे बोलो कि मीडिया वाले आए, जाओ जाके बोल के आओ, जाओ। सुबह आना तुम लोग, अभी परेशान कर रहे, सुबह आना तुम लोग। सुबह कोई नहीं आएगा, दरवाजा खोलो। अरे दो यार, जाने दो। अरे सुबह आना तुम लोग, बोलो सुबह आना। अरे कैसे रोक के रखोगे तुम? अरे कहाँ चल रहे हो? अरे 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 रुक, अरे चलो नीचे चलो, भाई नीचे चलो, लगता है इन्हें कहीं से खबर मिल गई है। अब चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। ये क्या है? ये क्या बकवास? इधर आओ साहब। क्या काम नहीं होता तुम लोगों से, इसलिए रखा है क्या? ये देखो किसकी लापरवाही है। साहब क्या हुआ? सब आंखें नहीं है, देखते नहीं है साहब। कट सब। बड़े भाई क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? हमारी बेटी कुछ नहीं है, वो देखिए वो सिर्फ पानी है, पानी है वो। सारे कैमरे आपकी की तरफ लगे हैं, आप चुपचाप खोलकर अंदर चले चलिए। आज की रात बहुत गंभीर है, हम कुछ विचित्र सा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं ठीक है, चिंता की बात नहीं है, आप सब ठीक है। रचना के परिवार का क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्या पता नहीं लगा है? ऐसे कामों को खत्म करने में कितना वक्त लगता है पता लगाओ। आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं करता रचना बचने नहीं चाहिए, बचने नहीं चाहिए। लो बताओ, ऐसा भी कभी हो सकता है? टकराल की बेटी अपने ही घर की छत से गिर गई। जानवी छत से गिर गई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या लगता है? अरे वहां जाने की इजाजत तक किसी को नहीं है, फिर भी ये फोटो छप गई। We'll be right back.
जानवी कैसी है? बच गई, लेकिन तुम नहीं बचोगी। अगर जल्दी नहीं निकली तो। आपने फोन किया था ना बताने के लिए? और एक बात और कह देते कि बहुत कम समय है तुम्हारे पास, अब हम इसके बाद तुम्हारा कोनो मदद नहीं कर सकते हैं। जाओ यहां से, जाओ, हम कहते हैं चली जाओ यहां से, भागो, जाओ। ठकराल साहब ने तुम्हारी मदद करने पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ा तो तुम खा चीज हो। इंसान अपनी असली आवाज तक में बात नहीं कर रहा है। अच्छा बताओ तुम्हें कैसे पता ये उसकी असली आवाज है? मुझे पता है, मैंने उसकी आवाज सुनी, एक पल के लिए, सिर्फ एक वर्ड, लेकिन उसकी आवाज में उतना ही दर्द था और उतना ही गुस्सा जितना मेरे अंदर है ठकराल के लिए। ये सबूत मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। लो बताओ, ऐसा भी कभी हो सकता है ठकराल की बेटी अपने ही घर की छत से गिर गई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठकराल साहब ने तुम्हारी मदद करने पर अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा तो तुम खा चीज हो। जानवी करती थी और ठकराल ने उसका ये हाल किया। यात्री का कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2026 जो दिल्ली से चलकर आगरा और झांसी के रास्ते भोपाल को जाने वाली है, अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट है। गाड़ी आने का समय हो गया है लेकिन रचना अभी तक नहीं आई और गाड़ी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन रचना कहाँ है? रचना यहीं पे खत्म कर देते हैं, अभी इतनी भीड़ में क्या फर्क पड़ता है। ठकराल साहब को ये आज ही चाहिए, अगर अब इस बार नहीं उसे पकड़ा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओए, अबे क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था घर पर आके बात करो, तुम यहां से करने आ गए हमसे। अरे हट, तू यहां क्या कर रहा है बे? पगला गया है क्या तू? तुम सबके सामने गाली दे रहे हो हमें। ओ भाई साहब, तुम गाली दे रहे हो हमें, बीच बाजार में गाली दे रहे हो तुम हमें। अरे तुम इधर देख के बात, हमारे को देख के बात करो, हमें देख के। तुम बीच बाजार में गाली दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सब यही देख रहे हैं। भाई साहब तू जाता जा, तेरे हाथ मांग तोड़ू अभी। अच्छा तुम हाथ तोड़ोगे हमारा? तुम्हारा हाथ तोड़ोगे? अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा तुम्हारा हाथ तोड़ो, देखते हैं। अच्छा तुम्हारा हाथ तोड़ो। चलता क्या है बे, बिना बात के पिटना चाहता है तू क्या? अबे तू ऐसे नहीं चलेगा।
फिर से निकल गई हाथ से। चलो देखे। बहुत भीड़ है आज, रचना आसानी से हमें ढूंढ भी नहीं पाएगी। इतनी देर क्यों लगा रही है रचना फोन लगाने में? उसे तो पता भी नहीं होगा कि हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ट्रेन आने वाली है, मैं आपको और राहुल को उस प्लेटफॉर्म पे छोड़ाता हूँ, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बहुत भाग दौड़ हो जाएगी। हाँ वरुण ठीक कह रहा है। ये रही तुम्हारी टिकट्स, मैं रचना को लेकर आता हूँ, मैं वही आता हूँ। चल रहा हूँ। चाहिए चाहिए प्लीज। जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा था और एक आंटी भी थी, वो लोग किधर गए? ट्रेन आ गई है, वो लोग उधर ही गए होंगे, आप उधर ही देख लीजिए, ऐसा ही कुछ सुना था मैंने। अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब मेरी बात सुन दे। आज जो है ना हम बात करते हैं आराम से बैठ के। अरे इधर देख, मैं कह रहा जो है कर लेते हैं अपना, देख लेते हैं क्या करना है। ट्रेन तो जा रही है, कहीं वो लोग मेरा वेट अंदर ही तो नहीं कर रहे। क्या करूं अब मैं? कहीं रचना गलती से इस ट्रेन में तो नहीं चढ़ गई, ये सोच के कि ये यही सही ट्रेन है। रचना अब टाइम नहीं है मेरे पास, ट्रेन में चढ़ना ही पड़ेगा, मैं उन लोगों को अंदर ही ढूंढ लूंगी। रचना माफ करना, रचना 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 रचना। ठकराल के आदमी, वो नहीं। रचना कहाँ चली गई यार? रचना साहब जी, अरे आप यहीं पे हैं जी। वो लड़की कब से ढूंढ रही थी आपको? वो लड़की कहाँ गई, आपने देखा? मैंने देखा तो नहीं, पर हाँ मेरे ख्याल से वो ट्रेन में गई होगी। ट्रेन में? ऐसा कह रही थी। आप चिंता मत करो, रचना फोन करेगी, वो बहुत बहादुर है, ठीक होगी वो। लेकिन लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। रचना ने कहा था ना कि शहर में रहना बहुत रिस्की हो गया है। लेकिन रचना कहाँ गई, कैसे मिलेगी? वो लोग यहाँ तक भी आ गए। आप प्लीज चलिए, हुआ हुआ राहुल और मम्मी अकेले होंगे। लेकिन ऐसे कैसे छुपी जा वरुण, ऐसा प्लीज। यस,
18, 19, 2 ये आपके सीट्स हैं? हाँ। ये रिजर्वेशन वाला डब्बा है क्या? जी हाँ बिल्कुल। आपकी सीट कौन सी है? वो यही है AS5 18 19 20। वो मेरे पापा और फैमिली आ रही होगी, हम ट्रेन में बहुत जल्दी में चढ़े ना, इसलिए। ये देखिए, ये आपके तसल्ली के लिए। वैसे आपको जाना कहाँ है? कोलकाता? कोलकाता नहीं, ये ट्रेन कोलकाता जा रही है। हाँ लगता है आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। ये ट्रेन भोपाल नहीं जा रही है क्या? नहीं, ये तो कोलकाता मेल है और कोलकाता जाएगी, और बरेली से पहले रुकेगी भी नहीं। कहते हैं युद्ध में वो नहीं जीतता जिसे युद्ध की कला बेहतर आती हो, और ना ही वो जो ज्यादा ताकतवर है। जीतता वही है जो सबसे लंबे समय तक अपनी सांस नहीं टूटने देता, वो जो जिंदगी और मौत के बीच जब सुई की नोक से भी कम फासला हो तब अपने मन को कह सकता है कि शांत रह। जीतता वही है जो एकदम पक्की हार के सामने खड़े होकर भी खुद से कहे मैं ही जीतूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।